गाइस नमस्कार, डेली करेंट अफेयर्स की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए आज देखते हैं, एनसीसी ने नागरिक अधिकारियों को एक्सरसाइज एनसीसी योगदान के तहत कोविड-19 से लड़ने में सहायता करने के लिए स्वयं से एक कैडेट की पेशकश की है। एनसीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये है आपका कहां पे, नई दिल्ली में। आइए आगे देखते हैं, किस कंपनी के साथ केरल स्थित एस टीम मिस्ट ने पोर्टेबल लाइटवेट इमरजेंसी वेंटिलेटर सिस्टम बनाने में सहयोग किया है? विप्रो 3D, TCS, CTS, इन्फोसिस। तो इसमें सहयोग किया है किसने? विप्रो 3D ने। तो इसकी थोड़ा सा व्याख्या कर लें, केरल के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के एक पोर्टेबल और हल्के निर्माण के लिए विप्रो 3D में भागीदारी की है। कृत्रिम मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट पर आधारित आपातकाल वेंटिलेटर प्रणाली जो जो कोविड-19 से लड़ने में विशेष सहयोग करेगा, इसके लिए इस कंपनी ने सहयोग किया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों के योगदान से सीधे अपने कटे हुए उत्पाद को बेचने के लिए ENAM प्लेटफॉर्म में 3 सुविधाएं शुरू की हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? अर्जुन मुंडा, हरसिमरत और कौर बादल, हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। आइए आगे देखते हैं, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार मंच की 3 नई सुविधाएं शुरू की हैं। गोदाम से सीधे उत्पाद करें जो कोविड-19 के प्रकोप के बीच मंडियों में भीड़ को रोक देगा, तथा प्रक्रम में बहराव हाउस रसीद मॉड्यूल, किसान निर्माता संगठन, ट्रेडिंग मॉड्यूल, लॉजिस्टिक मॉड्यूल। ये 3 तरह की सुविधाएँ 410 जिलों में आयोजित कोविड-19 राष्ट्रीय तैयारी सर्वेक्षण 2020 किसने जारी किया? 410 जिलों में आयोजित कोविड-19 राष्ट्रीय तैयारी सर्वेक्षण 2020 किसने जारी किया? जितेंद्र सिंह और नितिन गडकरी, प्रहलाद सिंह पटेल, मुख्तार अब्बास नकवी। तो ये जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने कोविड-19 की राष्ट्रीय तैयारी सर्वेक्षण 2020 जारी किया। सर्वेक्षण का उद्देश्य पूरे राज्यों में कोविड-19 तैयारियों को तुलनात्मक विश्लेषण विकसित करना है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस विश्व संस्था के सहयोग से उड़ीसा सरकार ने तालाबंदी के दौरान बच्चों को शामिल करने के लिए मो प्रतिभा मेरी प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये जो प्रोग्राम है यूनिसेफ के तहत चल रहा है आपका, किसके तहत? यूनिसेफ। तो जो बाल कोष है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के तहत एक प्रोग्राम, तो यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन। ठीक, तो उड़ीसा राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर रचनात्मक कौशल प्रतियोगिता कार्यक्रम शुरू किया है, मो प्रतिभा, जो कोविड-19 से लड़ने के दौरान एक विशेष कार्यक्रम है। उस संगठन का नाम बताइए जिसने कोरोना वायरस बीमारी से लड़ने के लिए वैश्विक एकजुटता का संकल्पना अपनाया। WTO और WHO, UNGA, G20, G7। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि एकजुटता कार्यक्रम कौन अपना सकता है। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत सहित 188 राष्ट्रों द्वारा सह प्रायोजित कोरोना वायरस रोग से लड़ने के लिए वैश्विक एकजुटता का संकल्प अपनाया है। किस स्वास्थ्य बीमा उत्पाद के तहत IRDA ने कोविड-19 के अस्पताल में भर्ती होने के उपचार लागत को निवारण कर दिया है? आरोग्य संजीवनी, सामान्य स्वास्थ्य, संयुक्त स्वास्थ्य, सार्वभौमिक स्वास्थ्य। तो ये जो है आरोग्य संजीवनी के तहत किया गया है। बीमा और नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA ने
मानक और स्वास्थ्य बीमा उत्पाद आरोग्य संजीवनी के तहत कोविड 19 के अस्पताल में भर्ती उपचार की लागत को निवार कर दिया है। इसके अलावा सभी सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा पेश किए गए क्षतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद भी कोविड 19 के कारण अस्पताल में भर्ती उपचार को लागतों को कवर करेंगे। एशियाई विकास बैंक द्वारा विकसित विकास आउटलुक एडीओ के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के भारत की वृद्धि की दर क्या रहेगी? 5%, 4%, 3.5%, 4.5%, 3%। ये जो है वृद्धि, इसके अकॉर्डिंग 4% रहने का अनुमान है। कितना? 4%। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सरकार ने NCLT के कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अध्यक्ष है। आचार्य देवभट्ट, AB मांडे, महेश कुमार, BSV प्रकाश। तो ये हैं BSV प्रकाश। CCI ने 18.95 एक इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है, जिसे त्रिशिखर वेंचर्स LLP हरित सरों के तहत द्वारा बीमा कंपनी स्टार हेल्थ लाइंस इंश्योरेंस कंपनी, अपोलो मिनी हेल्थ कंपनी, बजाज लाइंस जनरल इंश्योरेंस, रेगियर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तो ये रेगियर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। किस भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत स्वदेशी वेंटिलेटर के लिए प्रोटोटाइप विकसित किया? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, ISC बेंगलुरु, एम्स दिल्ली। तो ये ISC बेंगलुरु है। उस संगठन का नाम बताइए जिसने कोविड 19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों को रखने के लिए स्व सीलिंग सीम के तहत के साथ एक जैव सूट विकसित किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान। तो ये DRDO ने तैयार किया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। उस ऐप का नाम बताइए जिसे सरकार द्वारा क्वारंटाइन उल्लंघनकर्ताओं का पता लगाने के लिए परीक्षण किया गया था? कोरोना केयर, कोरोना वॉक, जियो फेसिंग, कोरोनो देखती है, जियो फेसिंग। उस देश का नाम बताइए जो 2021 में एशियाई युवा खेलों के तीसरे संस्करण की मेजबानी करता है? जापान, भारत, थाईलैंड, चीन। तो ये जो है कौन करेगा भाई? जापान, चीन। ठीक, तो कौन कर रहा है? चीन। आइए आगे देखते हैं। एडम लियोन स्ले सिंगर जो हाल ही में निधन हो गया, ये क्या है? तो ये एक जाने माने संगीतकार रही हैं। तो ये रहे आज के 15 क्वेश्चन। ऐसे ही यूं ही जुड़े रहिए डेली करेंट अफेयर श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए